गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। अच्छे रहें, आबाद रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। मैं मनोज खंडेलवाल एक बार पुनः आप सबकी मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी को आपके उसी टॉपिक पर लिए चलता हूं जहां हम छोड़ के गए थे। बच्चों, हमने टॉपिक हमारा चला रखा था काल। कौन सा काल? एक मिनट लूंगा मैं आपकी पुरानी से हिसाब से, क्योंकि जब अपन पुरानी से जुड़ते तभी नया समझ में आता है। काल, काल हमने तीन प्रकार के बांटे थे। पहला था भूतकाल, दूसरा था वर्तमान काल और तीसरा था भविष्य काल। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि भूतकाल आपके समझ में आया या नहीं आया, और आया तो कैसे, कितना आया। और आज देखना वर्तमान काल। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत निचोड़ लाने की कोशिश की है। भूत मैंने लिखा था बीता हुआ, वर्तमान चल रहा है और भविष्य आने वाला, ये आपसे कहा था। भूत को कितने बताए थे? 6, वर्तमान के 5 और भविष्य के कितने बताए थे? 4। मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा भूतकाल के। मैं पढ़ा चुका हूँ तो फटाफट बोलते जाए। नंबर 1, मैंने बोला था सामान्य भूतकाल। नंबर 2, आसन्न भूतकाल। नंबर 3, पूर्ण भूतकाल। नंबर 4, अपूर्ण भूतकाल। नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6, हेतु हेतु मत। यही था ना भाई? देखो, इसमें मैंने आपसे कहा था आ ई ए, सामान्य क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का तो बोध होता है, लेकिन निश्चित समय का पता नहीं होता। इसमें कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, इसमें बहुत पहले पूरा हो चुका है, इसमें बीते हुए समय में कार्य का जारी है, इसमें शक है, संदिग्ध है और इसमें शर्त जोड़ दी जाती है। अब अपन चलेंगे, जो आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो हुए हमारा वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। चल रहा समय, मैंने कहा था जो बीत गया या गुजर गया वो भूतकाल कहलाता है, जो अब चल रहा है वो वर्तमान कहलाता है, जो आने वाला है भविष्य काल बन जाता है। तो वर्तमान काल, काल का अर्थ बताया हमने क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय। और भूतकाल का अर्थ हमने आपको बताया था, क्या बताया था? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो। तो बीते हुए समय में यहाँ क्या लिख देंगे? चल रहा समय। तो लिखें क्रिया के जिस रूप से, बड़े सरल तरीके से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में, सॉरी, चल रहे समय में होने का बोध हो, वह वर्तमान काल कहलाता है। यहाँ हमें ना थोड़ा सहायक क्रियाओं का, मैंने आपसे पहले कहा था सहायक क्रिया
कालों के माध्यम के लिए काम में आते हैं। जब मैंने क्रिया पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कि सहायक क्रियाओं से हमें ना ये काल का निर्धारण करने में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो सहायक क्रिया हमें ना इसलिए ज़्यादा मोस्टली याद रखनी पड़ती है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो वह वर्तमान काल कहलाता है। अब मैं पहले तो इन पांच इनके जो नाम है ना इनके प्रकार वो आपको लिख देता हूँ, कितने प्रकार होते हैं, ऐसे नहीं बढ़ाऊँगा बोलना। आप उत्तर देते नहीं हो कमेंट्स में कोई प्रकार नहीं तो फायदा क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे आप पढ़ ही नहीं रहे हो, बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि एक भी अक्षर छूटा समझो आपका 10 कदम टूटा, बहुत पीछे रह जाओगे लोगों से। आपको आगे जाना है, पीछे तो दुनिया को रहना है, आपके पीछे पीछे रहो। आप अगर पीछे रहना चाहते हो तो ऐसे देख लो, ठीक है, हौसला बुलंदी पर होना चाहिए आप लोगों का। कितने प्रकार हैं साहब, 5 नाम बताते जाएं, बता चुका हूँ। एक काल तो ऐसा था जो मैंने आपसे कहा था तीनों में मिलेगा, सामान्य भूत में था तो सामान्य के साथ भूत लगा दिया, अब वर्तमान है तो सामान्य के साथ वर्तमान लगा दिया, और भविष्य आएगा तो सामान्य के साथ क्या लगा देंगे, भविष्य लगा देंगे। नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान काल, एक लाइन में समझाऊंगा पांचों को, देख लेना। नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 4, संभाव्य वर्तमान काल। और नंबर 5 है अज्ञात कोई पूछे कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है तो आप कैसे बताओगे कितने प्रकार का होता है, क्या उत्तर होगा आपका, आप तुरंत बोल जाओगे कि सर 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 4 संभाव्य वर्तमान काल, और नंबर 5 है अज्ञात वर्तमान काल। दोबारा से देखें कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में, यानी जो वर्तमान में चल रहा है, होने का बोध हो वह वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। आइएगा अब एक एक को बिल्कुल हल्के वे में लेते हुए सरल तरीके से समझते हुए समझाते हुए चलते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। देखिए, हमने आपसे कहा था जब हमने भूतकाल पढ़ाया था तो आपको परिभाषा दी थी क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो वह कहलाता है भूतकाल। और जब हमने सामान्य भूतकाल की बताई थी तो ये कहा था क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो परंतु निश्चित समय का बोध ना हो वो सामान्य भूतकाल। ऐसे ही वर्तमान काल की परिभाषा ये थी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का चलते समय में होने का बोध हो वो वर्तमान काल, लेकिन इसमें केवल और केवल क्या जोड़ देंगे, सामान्य। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से
क्रिया के सामान्य रूप से कार्य का होने का चलते हुए समय में बोध हो उसे क्या कहेंगे? सामान्य बोध का, यानी क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से कार्य का होने का बोध हो, सामान्य रूप से चलते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। देखे साहब, मैंने बता दिया था कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो वर्तमान काल, और क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से कार्य का चलते समय में होने का बोध हो वो सामान्य वर्तमान काल। ही थोड़ा सा परिभाषा में अंतर था। यहाँ मैंने पहले कहा था कि सहायक क्रिया हमें बहुत याद रखनी है। क्या बताई थी मैंने? ता है, ती है, ते है। ये इसे अपन बोल सकते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी पहचान हमने यही बताई थी ना कि ता, ती, ते, ता हूँ, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। तो वही सेम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ, वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है। अब देखते हैं इसके उदाहरण, देखें राम वही कल वाले, राम अखबार पढ़ता है, मोहन जयपुर जाता है, मोहन जयपुर जाता है। थोड़ा ना टेढ़े हो जाते हैं। एक तो ये राम अखबार पढ़ता है, दूसरा मोहन जयपुर जाता है। ये सब ता 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 है, तो वैसे तो हमें पता लग गया सब सामान्य वर्तमान काल है, लेकिन अपन तो परिभाषा के हिसाब से देखें कि राम अखबार पढ़ता है सामान्य रूप से, ऐसा मोहन जयपुर जाता है नॉर्मल वे में हो रहा है कार्य। तो जहाँ सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध होता है वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। इम्पोर्टेंस इसलिए है इस टेंस की क्योंकि इसके बाद इस वर्तमान काल के जितने भी अपन टेंस पढ़ेंगे वो सब अब एक दूसरे से रिलेटिव होते हुए पढ़ेंगे। अब देखिए अपन आगे चलते हैं और आगे चलते चलते ना अपन थोड़ा सा इनका दूसरा रूप और देख लेते हैं, फिर अपन एक शॉर्ट ट्रिक्स आप सबको बता के जाएंगे। आप जुड़ते रहें लास्ट तक, देखते रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आप इनकी सबके एक फर्स्ट क्लास शॉर्ट ट्रिक्स बता के जाऊँगा, वो आएगी लास्ट में, ताकि आप सब पूरी चीज़ आपको ना पढ़नी पड़े और तुरंत पहचान जाए। आप कहें सर उसे फर्स्ट में दो, ऐसा थोड़ी होता है, वो लास्ट में आएगा।
बोलो दूसरा टेंस कौन सा है दोस्तों? अपूर्ण वर्तमान काल, एमिस नहीं पूर्णमिस पूरा, अर्थात जो नहीं है पूरा चल रहे समय में जो नहीं है पूरा वो अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन नहीं सब अपूर्ण पूरा नहीं है तो कैसा है फिर? ये जारी है। तो वर्तमान काल में जो कार्य जारी है तो वो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का वो चल रहे समय में जारी रहने का बोध पाया जाता है उसे ये सब कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में जारी रहने का बोध पाया जाता है उसे क्या? कार्य चल रहा है वर्तमान में खत्म नहीं हुआ है उसे अपन अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है अनवरत है खत्म नहीं हुआ, इसकी भी अपन सहायक क्रिया देख लेते हैं। रहा है रही है रहे हैं, रहा है रही है रहे हैं आदि सहायक क्रिया लगा करके अपूर्ण वर्तमान काल का रूप निर्धारण कर लेते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपके? आ रहा है? शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। रहा है रही है रहे हैं, उदाहरण देखिए वही एक उदाहरण हमने ये दिया था, राम अखबार पढ़ता है, और एक दिया था मोहन जयपुर जाता है। अब ताती ते ये तो सामान्य वर्तमान काल हो गए, अब ऐसे इसमें ये लगाओ देखो, राम अखबार पढ़ रहा है, मोहन जयपुर जा रहा है। होते हैं मोहन इज गोइंग टू जयपुर जा रहा है, राम इज रीडिंग जो भी न्यूज़पेपर। तो यहाँ देखो कार्य का जारी है वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है कार्य का, और यहाँ सामान्य रूप से कार्य हो गया, यहाँ खत्म नहीं हुआ कार्य का, कार्य जारी है। कैसा है? जारी है। तो दो प्रकार के टेंस हमने वर्तमान काल के पढ़े, एक तो पढ़ा हमने सामान्य वर्तमान काल,
और दूसरा हमने पढ़ा अपूर्ण वर्तमान का। सामान्य रूप से यहाँ कार्य का जारी रहने का बोध भाव पाया जाता है वो सामान्य वर्तमान काल। सहायक क्रिया हमने लगाई थी ता है, ती है, ते है। और अपूर्ण वर्तमान काल में वर्तमान समय में कार्य का जारी रहने का बोध होता है वो क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल। सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा चुके हैं, अब बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ, देखें सब। तीसरा है संदिग्ध, पहले मैं ना थोड़ा समझने की स्थिति में लिख रहा हूं आप, ठीक है? और चौथा है संभाव्य। समझना, इन दोनों के बीच में एक शब्द है संशय शब्द। कौन सा शब्द है? संशय। बहुत हल्के रूप में, सरल रूप में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। संदिग्ध, संशय और संभाव्य। देखें साहब, अब देखो वर्तमान काल में चल रहे समय में कार्य के होने का संशय हो संदिग्ध, फिर कहेंगे संशय हो संभव। अजी साहब देखें इसको, मैं बहुत सरल वे में देखो कैसे। यहां देखें आप सामान्य वर्तमान काल, और यहां देखें आप अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखें सामान्य वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल के रूप में अगर संशय पैदा हो रहा है तो वो बन गया संदिग्ध वर्तमान काल। और अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ अगर संशय पैदा हो रहा है तो वो बन गया, तो क्या बन गया? संभाव्य बन गया। देख लो आप, बिल्कुल सरल वे में समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर हमने दो याद किए बस, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, तो सामान्य वर्तमान काल के साथ अगर संशय जुड़ गया तब तो संदिग्ध, और संभाव्य के साथ, सॉरी अपूर्ण वर्तमान काल के साथ संशय जुड़ गया है दोनों संशय के हिसाब से। अब अपन इनकी सहायक क्रिया के हिसाब से देखें साहब, मैं कहूँ इसमें सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ क्या जुड़ जाएगा? होगा जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? होगा। और इसमें अपूर्ण वर्तमान काल की सहायक क्रिया के साथ क्या जुड़ जाएगा? होगा जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? कितना सिंपल भी हो गया। आप देखो अब इसकी सहायक क्रिया अपन बनाएं तो क्या होगा? ता होगा, ती होगी, ते होगी। इसकी बनाए तो क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रही होगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? यानी सामान्य वर्तमान काल में कि क्रिया के साथ होगा लगा दिया तो संदिग्ध वर्तमान काल बन गया, और अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ संशय की स्थिति में हमने रहा होगा लगा दिया तो क्या बन गया?
क्या बन गया संभव। उदाहरण देखो सरल दिन, वही अखबार राम अखबार पढ़ता है और मोहन जयपुर जाता है। राम अखबार पढ़ता है और मोहन जयपुर जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल के हिसाब। अब जब इसमें हमने संशय जोड़ना है या होगा लगाना है, देखो केवल राम अखबार पढ़ता होगा, मोहन जयपुर जाता होगा। अब सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ होगा लगा दिया तो ये दोनों ही वाक्य अपने हिसाब से किस में पहुँच गए, संदिग्ध वर्तमान काल में पहुँच गए। किस में पहुँच गए? संदिग्ध वर्तमान काल में। अब ऐसे में इससे अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण जैसे लिखूं, राम अखबार मोहन जयपुर जा रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है और मोहन जयपुर जा रहा है। यहाँ तो ये बात देखिए सब, अब ये है ना दोनों ही बाकी किस में है अपूर्ण वर्तमान काल की, तो इसमें होगा जैसे जोड़ देंगे। यहाँ ये शब्द देखें, राम अखबार पढ़ रहा होगा और मोहन जयपुर जा रहा होगा। अब देखो कितने सरल वे में शायद आपकी समझ में आ गया कि सामान्य वर्तमान काल, सीधा सा सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ होगा लगा दो तो कौन सा हो जाता है? संदिग्ध। और अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ क्या लगा दे? होगा लगा दें तो संभाव्य वर्तमान काल। समझ में आ गया? परवास आप लोग बना लेना, हर चीज़ लिखनी नहीं होती, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना, ये सब के सब उदाहरण आते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट और है उसे देख लेते हैं। ध्यान रखना, जिस प्रकार हमने हेतु हेतु मद भूतकाल के लिए शर्त जोड़ी थी बीते हुए काल में, ऐसे ही वर्तमान काल में क्या जोड़ देंगे अपन? आदेश जोड़ देंगे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया, मैं आप सीधा सट ऐसे लिखें, वर्तमान काल की क्रिया के साथ आदेश जोड़ दिया जाता है। बस जैसे मैं जो कहूँ राधा तू नाच, राधा तू नाच, राधा तू नाच, तो अपना एक आदेश की तरह दे रहे, राधा तू नाच। तो इस तरह
जहाँ वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा शब्द जुड़ जाती है, आदेश शब्द जुड़ जाता है, वो आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। कौन सा? आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। तो मैंने पांच प्रकार आपके लिए दिए, जिसमें सामान्य वर्तमान काल हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल हुआ, जिसमें संदिग्ध हुआ, संभाव्य हुआ, और पांचवा हुआ अज्ञार्थ वर्तमान काल। ये हमने आपको वर्तमान काल के बारे में जितना आया उतना बताया, आशा है आपके समझ में आया। और अगले टॉपिक में हम आपके लिए भविष्य काल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं मनोज खंडेलवाल आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सुखी रहें। धन्यवाद।